कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका इम्पैक्ट आने वाले 100, 200, 300 या हो सके तो 1000 सालों तक भी रह सकता है, लेकिन फिर भी डे टू डे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम उनके बारे में बात नहीं करते। इनफैक्ट दुनिया कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स का मजाक भी बनाती है। ऐसा एक प्रोजेक्ट है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। डेजर्टिफिकेशन एक ऐसा फिनोमेनन है जिससे दुनिया के कई सारे देश जूझ रहे हैं, स्पेशली वो देश जहाँ पर वेस्टर्ली विंड्स रेगिस्तान के रेतों को अंदरूनी देश के भागों तक ले आती है। इसका मतलब क्या? मैंने कुछ सालों पहले एक वीडियो बनाई थी कि भारत देश के अंदर इतनी धूल मिट्टी क्यों है। बिलियंस लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया, और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने मेंशन किया था उस वीडियो में वो ये था कि भारत के अंदर हेवी वेस्टर्न साइड से हवाएं आती है, और ये हवाएं धूल मिट्टी कैरी करती है मिडिल ईस्ट से, और हमारे थार डेजर्ट के अंदर भी इसका इंपैक्ट होता है। प्रॉब्लम इसकी वजह से ये हो रही है कि साल दर साल ये जो रेगिस्तान की रेत है ये बढ़ते जा रही है अपने बॉर्डर्स को तोड़ते हुए और सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ रही है। होने को तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन ह्यूमन सिविल के लिए बहुत बड़ी दिक्कत। इंसान हमेशा नेचर को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है, कभी सक्सेसफुल रहता है कभी नहीं। हजारों साल पहले भी दुनिया भर के अंदर बहुत अच्छे कैनाल सिस्टम्स बनाए गए थे नदियों को पूरी तरीके से डाइवर्ट करने के लिए, फ्लड्स को रोकने के लिए। हमारे देश में भी बहुत हजारों साल पुराने डैम्स वगैरह है, रिजर्वॉयर्स है, तो नेचर को अपने हिसाब से चेंज करना कोई नई बात नहीं है। और सिमिलर चीज यहाँ पे करने की जरूरत है डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, यानी ये जो रेगिस्तान बढ़ रहा है इसको और आगे बढ़ने से रोकने के लिए। लेकिन ये क्यों किया जाए, ये करने से हमारा क्या फायदा, जरा समझते हैं। दोस्तों रेगिस्तान की जो रेत होती है ना वो बहुत ही ज्यादा फाइन और स्मूथ होती है और काफी ज्यादा पोरस। मेरा मतलब ये है कि इस रेत को अगर आप कंप्रेस भी करो तो ये चिपक कर जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई पेस्ट की तरह नहीं बनती। आर ग्लास आपने देखा होगा, वो कांच का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर रेत भरी जाती है और टाइम गिना जाता है। वो आर ग्लास के अंदर रेत इसलिए डाली जाती है क्योंकि वो इतनी महीम होती है और वो एक साथ क्लंप नहीं होती, इसके लिए वो एक बेस्ट एप्लीकेशन बनता है रेगिस्तानी रेत के लिए। लेकिन ये जो चीज है ये कई दिक्कत भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि इसके अंदर अगर पानी डालोगे तो वो ठहरेगा नहीं, चाहे आप कितना भी पानी डालो वो अंदर चले जाएगा। आप इसे कितना भी कॉम्पैक्ट करो ये इतना लूज ही रहेगा कि ये हमेशा ढीला रहेगा। इसके लिए रेगिस्तान की रेत जो है वो हमेशा हल्की फुल्की पाउडर की तरह रहती है और मिट्टी की तरह जो है क्ले की तरह हार्ड नहीं बनती। इसलिए यहाँ पर पानी के बॉडीज को दिक्कत आती है, अगर ये रेत पहुंच जाए तो वहां पे खेती नहीं हो सकती क्योंकि ये पानी पकड़ ही नहीं सकती। और कई वेजिटेशन जो सर्वाइव करती है अच्छी मिट्टी के ऊपर जिसके अंदर मिनरल्स वगैरह होल्ड हो सके, वो मिट्टी कभी भी रेत के साथ में रिप्लेस नहीं हो सकती। और अगर ये रेगिस्तान आगे बढ़ता रहा हवाओं के साथ साथ तो वो हमारे सेंट्रल इंडिया तक पहुंच जाएगा और ऑब्वियसली हजारों लाखों एकड़ जमीन जो एग्रीकल्चरल है उसको खत्म कर देगा, जो फूड सिक्योरिटी पे भी रिस्क बन सकता है। अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट ये चाहता है कि हम पानीपत से लेके पोरबंदर गुजरात के बीच में एक 5 किलोमीटर चौड़ी फॉरेस्ट की वॉल बनाए जहां पर कई सारे पेड़ लगाए जाएंगे, कई सारे लेवल पर फॉरेस्टेशन किया जाएगा, यानी ग्रीन झाड़ जंगल का बेल्ट बनाया जाएगा जो इस रेत को आगे बढ़ने से रोके। और ये रोकेंगे कैसे? जब फॉरेस्ट को लगाया जाता है यहाँ पर और ऐसे प्रजातियों को लगाया जाता है जो यहाँ पर फिर भी सस्टेन कर ले, तो वो अपने रूट्स के जरिए मिट्टी को पकड़ना शुरू कर देती है और उनको कॉम्पैक्ट करना शुरू कर देती है। इसके वजह से जब रेत आगे बढ़ रही होती है धीरे धीरे हवा के साथ में, वो इस लेवल के आगे नहीं बढ़ पाती या इस बेल्ट के आगे नहीं बढ़ पाती। ये कोई नया फिनोमेनन नहीं है, गोबी डेजर्ट चाइना के अंदर ये चीज कुछ दशकों पहले की गई थी, तब पूरी दुनिया ने चाइना का मजाक उड़ाया, लेकिन वो सक्सेसफुल हुए थे, जिसके बाद में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स दुनिया भर में शुरू किए गए, भारत भी उनमें से एक है। गवर्नमेंट को उम्मीद ये है कि ये ना सिर्फ रेगिस्तान की रेत को आगे आने से रोकेगा, लेकिन 2.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन जो एटमॉस्फेयर में है उसको भी सोख लेगा। साथ साथ एक एरिया जो आसपास में मौजूद है वहां पे लैंड प्राइसेस को भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि रेत आने की वजह से जमीनें कम होती जा रही थी और जमीनों की कीमत बढ़ रही थी। इस वजह से कई लोग जो लाइवलीहुड पे लिए डिपेंड करते हैं खेत जमीन पर, उनको ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसकी वजह से आ सकेंगे और डेवलपमेंट एक्टिविटीज करने के लिए पॉसिबल होगा। ग्रीन कवर आने की वजह से जो वाइल्ड लाइफ भी है यहाँ पर वो भी प्रोटेक्ट होगी, लेकिन जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा वो है पानी के हिसाब से। बड़े लेवल पे अगर फॉरेस्टेशन की ये बेल्ट बनाने में हम सक्सेसफुल रहते हैं तो कई वाटर बॉडीज को यहाँ पे कंजर्व किया जा सकता है जो इस रीजन में अवेलेबल है। रेत आने की वजह से ये खत्म हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन फॉरेस्टेशन की वजह से यहाँ पर ये काम हो पाएगा। साथ साथ गवर्नमेंट ऐसे नहीं कोई भी ऐसे ग्रीन बेल्ट बना रही है, गवर्नमेंट ने कहा है कि वहां पर वो एग्री फॉरेस्ट्री
को प्रमोट करेगी, यानी फ्रूट्स वगैरह के पेड़ या दूसरे जो भी चीज बिक सकती है उसके पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और इनकम सोर्सेज जनरेट हो पाए, फूड सिक्योरिटी आ सके, सोशल बेनिफिट्स भी हो। इस प्रोजेक्ट को वैसे नाम दिया गया है नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन एंड FAQ ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री पब्लिश्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। बहुत बड़ा नाम है इसलिए मैंने अभी तक नहीं लिया था। और अलग अलग प्लांटेशन ड्राइव्स करते हुए इस बेल्ट को बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर रख के जो सीधा सीधा काम किया जाए, कुछ सेक्शंस में हो सकता है लेकिन पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में नहीं। UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको भी आप इस्तेमाल किया जाएगा। UNCCD यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इनकी भी आप मदद ली जाएगी। ये एक लंबा प्रोजेक्ट है, कई दशकों तक ये एक्सपांड करेगा और इसकी जो फिजिबिलिटी है ये आने वाले कई दशकों के बाद में पता चलेगी। लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है अरावली ग्रीन बेल्ट जिसके बारे में आज ही हमें समझना जरूरी है और दुनिया भर में ऐसे प्रोजेक्ट हम होते हुए देखते ही रहेंगे आने वाले सालों में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इशू बन रही है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके क्या कमेंट्स में राय है मुझे भी जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।